नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में बनाए गए 500 बेड के कोविड अस्पताल का सीएम ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी वहां मौजूद रही। बता दें कि अस्पताल में 375 बेड ऑक्सीजन, 125 आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की सुविधा है। यह अस्पताल आधुनिक तकनीक से लैस है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस अस्पताल से लोगों की परेशानियां कम होंगी और लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। स्टाफ यहां पर रहने वाला है और पूरी सुविधाएं यहां पर गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि भारत सरकार ने एक इतिहास रचा है जिसमें हमारी सरकार जो उत्तराखंड सरकार है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, लाइट है, पानी है और रोड सड़क इसकी व्यवस्था कर रही है और बाकी चीज़ों की व्यवस्थाएं भारत सरकार ने की है। प्रधानमंत्री जी और हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, वो उनको हम आभार प्रकट करते हैं कि इतना बड़ा प्लांट उन्होंने हमको दिया है, ऐसी शुरुआत की है। अब यहाँ पर कितनी बड़ी वेव क्यों नहीं आ रही हो, उसके लिए हमारे पास सबसे उत्तराखंड में लचर स्वास्थ्य सेवाओं और महंगाई की वजह से कांग्रेस नेता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लालकुआ में एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भाजपा सरकार को घेरते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश सरकार लगातार बढ़ते मौतों के आंकड़ों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। आगे उन्होंने महंगाई पर कहा कि दालों के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल दो गुने दामों पर बिक रही है और सरकारी अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि लोगों को प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख करना पड़ रहा है। देखिए, इस जो महंगाई बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमारे जगह जगह इस सरकार को जताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। आज जिस तरीके से देखो, पेट्रोल और डीजल के दाम जो 50 से आज दोगुने लगे हैं और जो सरसों का तेल था जो 60 रुपये में था जो पिछले सरकार में जब हम कांग्रेस सरकार थी 14 में, तो आज इन्हें 7 साल में 200 कर दिया। दाल के दाम जो 70 थे आज इन्हें 170 के लगभग लिया है। बिल्कुल सारे जो ऋण हैं इन्हें सब बढ़ा दिए हैं। पहाड़ों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी हुई है, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोगों से अभी भी नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। दुकानें भी बंद हैं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही जा रही है। आज बाजारों में पुलिस ने दुकानों की भीड़ का चालान काटा और चौकी प्रभारी विनोद चौरसिया ने लोगों, वाहन चालकों व दुकानदारों से अपील की कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, ताकि पुलिस प्रशासन को भी जनता का चालान काटने की जरूरत ना पड़े। जनता से यही अपील करते हैं कि जो सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन करें। सोशल डिस्टेंस जो कि सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसका पालन करना सबका कर्तव्य है। पुलिस प्रशासन है, लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका साथ दें और इस COVID-19 बीमारी में इससे मुक्त होने के लिए अपना सहयोग। रेत्रा और मैं यहाँ पे जनपद चमोली के पिंडर घाटी के नाड़बगड़ बाजार में हूँ और यहाँ पर जो दूसरे चक्कर का जो रश काफी गाइडलाइंस है लॉकडाउन की, वो आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन भी जो बाजारों में है वो काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिली और पुलिस ने जो सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में कई दुकानदारों के यहाँ पर चालान काटे हैं और जो पब्लिक है आज बैंकों में भी लगातार उसी ढंग की उनकी भीड़ दिखाई दी पब्लिक की, और जो पोस्ट ऑफिस है उसके बाहर भीड़ दिखाई दी, जिससे बैंक कर्मी और पोस्ट ऑफिस कर्मी पुलिसकर्मी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने में परेशान रहे। इसी वजह से पुलिस ने आज कई जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनुपालन नहीं कर रहे थे उनका चालान काटा है, और जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग मान नहीं रहे हैं, लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो उल्लंघन कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश हैं सरकार के उसका भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की भारी कमी है। और जिस कारण से जो कोरोना महामारी चल रही है, इस ढंग से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए पुलिस ने चालान काटा है। तो वर्तमान में हरिद्वार में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने डीएम से मुलाकात की। इस दौरान कंपनी ने क्या कार्यालय में 50 ऑक्सीजन कंटेनर जनसेवा के लिए भेंट किए हैं। डीएम ने कंपनी के द्वारा किए गए सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण में जिस तरह का सहयोग सिडकुल की कंपनी कर रही है वो एक अच्छी बात है। ये स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तम बनाने के लिए कंपनी की ओर से एक स्थायी सहयोग है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भी जानकारी लगातार दी जा रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड के ओर से लगातार एंटायर कोविड काल में पिछले फर्स्ट वेव में भी और अभी वर्तमान जो परिस्थितियों में लगातार जो है हमें काफ़ी मात्रा में सीएसआर सपोर्ट करते आए हैं। आज जो है 75 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे हैं जिसको हम लोग हमारे क्षेत्रीय हॉस्पिटल्स जैसे सीएचसी है पीएचसी है वहाँ जो है पहुँचाने का निर्णय लिए हैं। तो ये हमारा जो डिसेंट्रलाइज्ड कोविड मैनेजमेंट का जो अप्रोच है उसके लिए काफ़ी बड़ा राहत और मददगार रहेगा, जिसके लिए मैं HUL को जो है हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। बहादराबाद में हजारा ग्रंथ के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में धांधली का मामला सामने आया। स्कूल में हुई इस धांधली पर शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। बता दें कि स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और स्कूल के अध्यक्ष ने ही प्रिंसिपल के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई थी। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस संदर्भ में वहां के पूर्व अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति की एप्लीकेशन कंप्लेंट मुझे मिली थी और वहाँ के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक ने भी उसके बाद एक लिखित पत्र दिया है। इसी संदर्भ में ये जांच उच्च शिक्षा अधिकारी बहादराबाद को हमने दी है। उच्च शिक्षा अधिकारी बहादराबाद की जांच मिलने के उपरांत इसमें जांच अटके अनुसार कार्रवाई। जनपद उधम सिंह नगर में रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर खुलासा किया गया। दरअसल कोरोना जांच लैब कर्मियों द्वारा जांच के दौरान केंद्र पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान 8 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 354 रुपए लैब को मिलते हैं और इन्हीं रुपयों को स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब द्वारा टेस्टिंग की संख्या के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ये हमारा एक मूवी हुआ था एक प्राइवेट संस्था के साथ, उसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक कराना किया था। तो जैसे मुझे लगा हुआ था, जैसे मुझे ये सूचना मिली मैं तुरंत पोर्टल पर आया हूँ। मैं इसमें कुछ जांच और वो कर रहा हूँ, जांच का जैसी सूचना मिली फूलभट्टा चेकपोस्ट से कि भाई यहाँ पर जो टेस्टिंग का काम हो रहा है इनके द्वारा जो यूज किटें हैं वो काफ़ी यूज़ की हुई हैं, पहले से यूज हैं और उनको संख्या में दिखाया जा रहा है कि हमने इसमें टेस्ट किए हैं। तो कुछ उसमें एक आलमेल है, पूरी किटों को हम कलेक्ट करा रहे हैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं मामले को। जैसे अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो सर स्टार इमेज। लालकुआ के बेरी पड़ाव स्थित गोला गेट में पिछले काफी दिनों से चल रहे जुए के अड्डे पर छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी और स्थानीय पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए जुआरियों के पास से कई हजार रुपए भी बरामद किए गए हैं और उनके खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। देखिए, एक सूचना प्राप्त थी कि बेरी पड़ाव में कुछ लोग जो है वहाँ पर अवैध जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर हमारी जो SOG की टीम है और हमारी हल्दूचौड़ पुलिस ने मिल करके वहाँ पर कार्रवाई करी और उसमें 7 अभियुक्त गणों को हमने गिरफ्तार किया है और हमने जो है 97,400 रुपये उनके फर्ज से जुआ खेलते हुए। कोरोना के साथ साथ अब पहाड़ों में मच्छरों के प्रकोप ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है। कोरोना के बाद कई इलाकों में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से कालियर में वार्ड 4 के सभासद प्रतिनिधि इख्तियार प्रधान ने नगर पंचायत अध्यक्ष को कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के लिए एक पत्र सौंपा है। सभासद प्रतिनिधि इख्तियार प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही वार्ड में दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। मैं सभासद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 4, मेरे द्वारा आज अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। मेरे वार्ड में मच्छर और मक्खियों का प्रकोप है बहुत ही ज़्यादा,
उस संबंध में मैंने चेयरमैन साहब से अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि वो मेरे वार्ड में कीटनाशक दवाइयों का, जिससे मक्खी और मच्छर मर सके, उन कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करा दे। ऋषिकेश में चार धाम यात्रा स्थगित होने के बाद निजी बस परिवहन व्यवसायियों के साथ साथ व्यापारियों को भी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू के बीच अभी तक कोई भी मदद सरकार की ओर से छोटे परिवहन व्यवसायियों को नहीं मिली है। ऐसे में टैक्सी मैक्सी ओनर्स एसोसिएशन ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चालक और मालिकों ने एआरटीओ कार्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें सरकार से जल्द छोटे परिवहन व्यवसायियों को राहत पैकेज देने की मांग की गई है। हम नवीन सिमवाले में इनोवा टैक्सी में से चालक मालिक एसोसिएशन से यूनियन सचिव हूँ, और हम सब लोग आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी मांगों के लिए लगे हैं, जिनमें से मेन है एक तो हमारे जो गाड़ियों की जो टैक्स है तो कम से कम 2 साल के लिए उसे माफ़ किया जाए। दूसरा जो बैंकों की EMI है, जब रोजगारी नहीं है, किसी के पास गाड़ी के किस्तें भरने के लिए पैसा नहीं है और बैंकों की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि किस्तें भरो, सबकी 3-3 किस्तें हो गई है, तो उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि हम आपकी गाड़ियाँ उठा लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जब रोजगार नहीं, हम उनके पैसे कहाँ से देंगे? हमारा सारा रोजगार चार धाम यात्रा पर डिपेंड है, तो इसके लिए हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि एक हमारा इंश्योरेंस और हमारी किस्तें और हमारे जो बीमा है उसमें कुछ छूटें दी जाए सरकार के द्वारा। अगर ये जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो हम इसके खिलाफ सारे यूनियनों को इकट्ठा करके हर जिले उत्तराखंड जिले के हर जगह से यूनियनों को इकट्ठा करके हम एकत्रित। कोरोना कर्फ्यू के चलते परिवहन कारोबारियों के साथ साथ व्यापारी वर्ग की भी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, लेकिन अब ऋषिकेश में व्यापारी सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ी छूट दी जाए और दुकानों को खोल दिया जाए। इस अपील के साथ व्यापारियों ने त्रिवेणी घाट चौक पर सरकार के खिलाफ ताली बजाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने 8 जून के बाद बाजार खोलने में छूट नहीं देने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। व्यापारियों का कहना है कि थाली बजाकर उन्होंने सरकार को जगाने का प्रयास किया है। आंशिक रूप से 3-4 घंटे के लिए और पूरा नहीं, आधा आधा बाजार खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे कोरोना भी ना फैले और व्यापारियों को भी रोजी रोटी का संकट ना उतरे। परंतु सरकार इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, सरकार के कान में जू नहीं देख रही है। तो आज का ये आंदोलन सरकार को जगाने के लिए था, थाली बजाने का, जिससे सरकार का आवाज़ जाए और सरकार बाजार खोले, व्यापारियों को भोजन पानी की भूखमरी की स्थिति से। हरिद्वार में व्यापारियों ने भीख मांगकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुंभ मेला 2021 के आयोजन के दौरान भी व्यापारियों की दुकानें बंद रही, जिसके कारण व्यापारियों की भूखे होने की स्थिति आ गई है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का ये भी कहना है कि सरकार व्यापारियों की सुध नहीं ले रही है, कर्फ्यू में ढील देकर व्यापारियों को थोड़ी राहत जरूर देनी चाहिए। मैं ब्रह्मपुरा में रहता हूँ, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। हमें सरकार से इतनी उम्मीद थी 1 जून को कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुल जाएगा, दुकानें खोलने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटा व्यापारी क्या करेगा, दुकानों का किराया भी देना होता है, जो कोई भी दुकान मालिक किराया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिजली का बिल सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं से भी हमसे राशन की दुकान पर जाते हैं या किसी मेडिकल पर जाते हैं, अब बीमारियाँ चल रही हैं, हमें भी कुछ ना कुछ बच्चों को बीमारी हो जाती है, हम खाने की मोहताज हो गए हैं आज के टाइम में, कहां से पैसा लाएंगे, 2 महीने से हम खाली बैठे। कोरोना महामारी की वजह से अभी भी कई राज्यों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से व्यापारियों को अपनी रोजी रोटी चलाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी में भी व्यापारिक संगठन ने अपने आर्थिक संकट को बयां किया। आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यापारियों का कहना है कि हम सरकार से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि दुकानों को खोल दिया जाए, ताकि जो लोग तंगी से गुजर रहे हों उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। इसी के साथ व्यापारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल आर्थिक तंगी आ गई है, बैंकों का ऋण नहीं जा पा रहा है, ग्राहक आ नहीं रहा है, बिक्री है नहीं, दुकान बंद कर गई है, और छोटा व्यापारी तो आज भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है। जो चाय बेचता था, रेड़ी लगाता था, छोटा रेस्टोरेंट खोलता था, रिक्शा तांगा चलाता था, छोटे छोटे व्यापारी भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। हमने कई बार सरकार से कहा कि राहत पैकेज देके कम से कम इसकी भरपाई तो करो, वो भरपाई इन्होंने करी नहीं, उल्टा ये कर रहे हैं। आज हमने कटोरा लेकर यहाँ पर भीख मांगने का एक सांकेतिक हमने प्रदर्शन किया है,
हम चाहते हैं कि सरकार चेते कि जो व्यापारी अपने काउंटरों में होता वो कटोरा लेकर सड़कों में भीख मांग रहा है। और यही बात हम नगर मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन के माध्यम से देंगे और स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अगर शीघ्र इस पर निर्णय करेगी तो हम दुकानें मजबूर खोल देंगे, भले इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।